सोयाबीन कबाब बनाने के लिए मैंने ये काफी सारा पानी जो है बॉइल कर लिया है। पानी हमारा अच्छा बॉइल हो गया, गैस बंद कर देंगे और 150 ग्राम ये सोयाबीन चंक इसमें डाल देंगे और बिल्कुल नॉन वेज मटन को भी फेल करें ऐसी हम कटलेट बनाएंगे और इसको 20 मिनट तक हम भिगा के रख देंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक प्रेशर कुकर मैंने गर्म कर लिया है, तो इसमें मैंने ये जो 100 ग्राम चने की दाल 1.5 घंटा भिगा के रखी थी पानी पूरा निकाल लिया है, अब ये इसमें डाल देंगे। डालेंगे इसमें आधा कप जो है पानी डाल देंगे। अब 150 ml के आसपास पानी ले सकते हैं, वैसे भी दाल हमारी भीगी हुई है तो ज्यादा पानी ना डालें, अदरवाइज जो है हमारे कबाब कटलेट भी अच्छे से नहीं बनेंगे। इस तरह से हमने मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हटा लेंगे और हाथों में इस तरह से थोड़ा सा जो है ऑयल लगा लेते हैं, कुकिंग ऑयल, एनी कुकिंग ऑयल, और इस तरह से कबाब उठा के बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने सारे कबाब जो है बना लिए हैं, तो अभी हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक लोहे का तवा जो है गर्म कर लिया है, क्योंकि लोहे के तवे में अगर हम फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, लाजवाब है। आप नॉन स्टिक में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं। गैस को बिल्कुल अभी मैंने फास्ट करके मीडियम कर दिया है और अभी वन बाय वन हम हमारे ये जो है कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं।
एक टाइम पे दो से ज्यादा नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हमारी जो है ये कटलेट कबाब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसको ले लेंगे, नीचे उतार देंगे और बाकी की जो बची है वो हम फ्राई कर लेते हैं। तैयार है हमारे कबाब्स, आप रख दीजिए ये ग्रीन चटनी और ये सॉस।